स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायक विचार। पहला, कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास लौटकर आएगा। पर अभी उसकी बात मत सोचो, वह वर्धित होकर, सहस्त्र गुना वर्धित होकर वापस आएगा। पर ध्यान उधर न जाना चाहिए, तुम में केवल देने की शक्ति है। दे दो, बस बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, भारत को कम से कम अपने सहस्त्र तरुण मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है। पर ध्यान रहे, मनुष्य की बलि, पशुओं की नहीं। तीसरा, मुक्ति उसी के लिए है जो दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देता है। और दूसरे जो दिन रात मेरी मुक्ति कहकर माथा पच्ची करते रहते हैं, वे वर्तमान और भविष्य में होने वाले अपने सच्चे कल्याण की संभावना को नष्ट कर यत्र तत्र भटकते फिरते हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से ऐसा अनेक बार देखा है। चार, महान बने, त्याग बिना कोई भी महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस जगत की सृष्टि के लिए स्वयं उन विराट पुरुष भगवान को भी अपनी बलि देनी पड़ी। आओ, अपने यश, आराम, नाम, यश, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी निछावर कर मानव श्रृंखला का एक ऐसा सेतु निर्माण कर डालो कि ताकि उस पर से होकर लाखों जीवात्माएं इस भवसागर को पार कर ले। पांचवा, विकास ही जीवन है और संकोच ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास है और स्वार्थपरता ही संकोच है। अतएव प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करता है वो जीता है, जो स्वार्थी है वो मरता है। अतएव प्रेम के लिए ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। छः, एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी ही मनुष्य की सेवा करना लाखों जब ध्यान से कहीं बढ़कर है। सात, वेदांत परमात्मा के सर्वव्यापक होने से भी आगे आगे की बात समझाता है। वेदांत के अनुसार यह समूची सृष्टि परमात्मा का ही विभिन्न नाम रूपों में प्रकट होना है। तभी तो सच्चा वेदांती सृष्टि के जड़ चेतन से आत्मवत प्रेम करता है। आठ, यदि तुम अपनी प्रार्थना में कहे कि भगवान ही हम सबके पिता है और अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न समझे, तो फिर उसकी सार्थकता ही क्या। नौवा, प्राचीन धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। दसवा, यदि केवल तुम जान लेते हैं कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम ईश्वर हो, यदि कोई अधार्मिक बात है तो वह है ये है कि तुम मनुष्य कहना। ग्यारह, वेदांत का आचरण सहज रूप से समस्त निराशाओं, चिंताओं और विषादों और तनावों से आपको सदा सदा के लिए मुक्त करता है। बारह, धर्म ग्रंथ जिन सद्गुणों को अपनाने की बात करते हैं वे अनायास उसे प्रभावित होते हैं जो वेदांत का आचरण करता है।